इन सब फीचर्स को अगर आप यहाँ पे यूज नहीं करोगे तो आपकी ड्राइविंग स्किल्स जो है वो ज्यादा बेटर हो जाती है। अब आप बोलोगे भाई एडास तो बहुत यूजफुल फीचर है, उसके लिए आप क्यों ऐसा बोल रहे हो। जब आप गाड़ी चला रहे हो ऑनेस्टली तो आपका अपने मतलब आपका कंट्रोल है गाड़ी के ऊपर। अगर इतना ही काम का इतनी सेफ्टी इस फीचर में है तो भाई कंपनी को ये बेस मॉडल से देना चाहिए। तो वहां पे जो है आप खुद सोच लो, बेस मॉडल मतलब आप दो खरीद सकते हो उस अमाउंट में जो उसके टॉप मॉडल ले रहे हो जिस अमाउंट में। कोई समझदार बंदा है वो बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर भी आपकी गाड़ी की जो सेफ्टी है वो कम हो जाती है। ये ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से आपको जो है बहुत बड़ी परेशानी आपको हो सकती है। तो ऐसा कुछ अगर है तो फिर कमेंट करके जरूर बताना। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आज की जो वीडियो बना रहे हैं, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे फीचर्स की बात करने वाले हैं जो मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन उन फीचर्स को अगर हम लेते हैं तो हमारी गाड़ी का जो दाम है ऑलमोस्ट ये मान के चलो 2-3 लाख आराम से ऊपर पहुंच जाता है। और 2-3 लाख का मुझे लगता नहीं कि उन फीचर्स को लेने से बहुत ज्यादा कुछ फायदा है। तो ऐसे फीचर्स के बारे में आज बात करने वाले हैं जो बिल्कुल मुझे लगता है भाई यूजलेस है अपने इंडिया के अंदर। बहुत सारी फीचर्स हैं तो उनको अगर हम ना लें तो हमारी गाड़ी पे हम जो है आराम से 2-3 लाख, और अगर हम बड़ी गाड़ी पे जा रहे हैं तो भाई ऑलमोस्ट आप समझ लो कि 3-4 या 5 लाख तक जो है आराम से सेव कर सकते हैं। मतलब वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, जहां तक आपको लगता है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मतलब जिसमें आपकी सारी चीजें आ जाती हैं नीड की, जो भी आपको जरूरत है। मान लिया आपको भाई छोटा मोटा म्यूजिक सिस्टम भी चाहिए आपको, मतलब जो आपके नीड के फीचर्स हैं वो सारे आ जाते हैं वैल्यू फॉर मनी में। तो भाई वहां तक आप आराम से जा सकते हो, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर आप जाते हो तो छोटे छोटे फीचर्स हैं, यूज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन प्राइस एकदम से 2-3 लाख ऐसे जो है ऊपर पहुंच जाता है गाड़ी का। तो भी आज उनके बारे में बात करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही प्रैक्टिकल नॉलेज आपके सामने जो है शेयर करते हैं, तो इसमें भी हम बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करने वाले हैं भाई क्या चीजें अपने यहाँ इंडिया में प्रैक्टिकल है क्या नहीं है। तो जी सबसे पहले जो हम बात करेंगे भाई, हम बात करेंगे क्रूज कंट्रोल की। आजकल हर आदमी को जो है क्रूज कंट्रोल अपनी गाड़ी में चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं अपने प्रैक्टिकली बात करूं आपके साथ में तो क्रूज कंट्रोल बहुत यूजफुल फीचर मुझे नहीं लगता है। क्रूज कंट्रोल भाई आप जो है ट्रैफिक में तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाते हो, आप लॉन्ग हाईवे पे जो है उसको यूज कर पाओगे। लेकिन आज की डेट में अगर हम लॉन्ग हाईवे पे भी जाते हैं तो भाई साहब सडनली आपके आगे कोई गाय भैंस, मतलब आज की डेट में आप जो हाईवेज की कंडीशन देख रहे हो, मतलब लिटरली हर हाईवे पे आपको जो है गाय वगैरह सब मिलेंगी। और अगर आप भाई कुछ बिजी हाईवे पे जा रहे हो तो क्रूज कंट्रोल आपके किसी भी काम का वहां पे नहीं होता है। दूसरी चीज, क्रूज कंट्रोल जब आप लगा देते हो तो आपकी बॉडी उतनी लेजी होती जाती है, क्योंकि आपके पैर एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी, बस आप स्टेयरिंग पकड़े हो बैठे हो, कई बार नींद आने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा रहते हैं। और बहुत लोगों को नींद आ भी जाती है क्योंकि बिल्कुल बॉडी जो है रिलैक्स है। बॉडी अगर थोड़ी सी भी एक्टिव होती है, मतलब आप क्लिच दबा रहे हो, ब्रेक दबा रहे हो, या फिर आप पैडल पर आपका पैर है, आपका स्पीड ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो आपकी बॉडी ना एक्टिव रहती है उस चीज से। और आपके माइंड में भी ये रहता है कि भाई मैं ना गाड़ी चला रहा हूं और मुझे जो है अलर्ट रहना है। लेकिन जब आप क्रूज कंट्रोल लगा देते हो तो आपको लगता है कि नहीं यार अभी रिलैक्स होकर बैठता हूं बस स्टीयरिंग पकड़ के, और आपको पता भी नहीं चलता है किस टाइम पे आपकी जो है बॉडी सुस्त होती है और क्या कब आपको जो है नींद भी आ जाती है। तो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट के चांसेस जो है वहां से हो जाते हैं। हाईवे पे सामने से एकदम क्या आया क्या नहीं आया, आज के हाईवे की कंडीशन देखोगे तो भाई कहीं भी टर्न यू टर्न कोई भी ले लेता है, एक्सीडेंट के केसेस इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पे मुझे जो है इंडिया के अंदर क्रूज कंट्रोल बहुत ज्यादा वही उपयोग में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा यूजफुल फीचर है। और इस फीचर के लिए हम बड़े अच्छा अमाउंट जो है गाड़ी में दे देते हैं भाई। क्रूज कंट्रोल वाली गाड़ी में आप जाओगे तो एकदम से आपका जो है 1-1.5 लाख रुपए जो सीधा ऊपर पहुंच जाता है, जैसे ही आप अपना अगला वेरिएंट पे पहुंचते हो जिसमें क्रूज कंट्रोल आपको मिल रहे हैं। तो इसलिए भाई मैं तो नहीं समझता कि भाई क्रूज कंट्रोल बहुत ज्यादा यूजफुल है अपने इंडिया के अंदर। बाहर के कंट्री में होगा मैं उसको नहीं कह रहा हूं, बट मुझे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं लगता है जी। इसके बाद बात करते हैं भाई, आज की डेट में हर गाड़ी में आपको एक चीज मिलेगी। सबसे पहले जब भी उस गाड़ी का प्रीमियर आता है तो सबसे पहले लिखा आता है एडास, किसी में 2 लेवल किसी में 1 लेवल, मतलब सब एडास ऑलमोस्ट आपको सारी गाड़ियों में जो अब मिल रहा है।
अब आप बोलोगे भाई एडास तो बहुत यूजफुल फीचर है, उसके लिए आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? तो भाई एडास भी जो है देखो एक मशीनरी है, कब वो फेल होगा आपको भी नहीं पता चलेगा, और उससे जो है आपकी जो लाइफ है वो ज्यादा रिस्क पे रहती है। मुझे तो प्रैक्टिकली अगर हम सोचे तो भाई जब आप गाड़ी चला रहे हो ऑनेस्टली तो आपका अपने मतलब आपका कंट्रोल है गाड़ी के ऊपर, किसी अडास वेडास किसी फीचर का कंट्रोल नहीं है, फिर आपका कंट्रोल है, आपका पता है कि भाई मुझे यहाँ ब्रेक मारने हैं तो मार दूंगा या फिर मेरी गाड़ी इतनी दूरी पे मैं रोक दूंगा, वो आपके माइंड में सारी चीजें सेट रहती हैं। लेकिन जब आप अडास के ऊपर निर्भर हो गए तो आपके माइंड में टेंशन नहीं है कुछ भी, आपको भी नहीं पता कब उसका काम करे और कब नहीं करते। बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हैं जो भाई उनका एडास ने काम ही नहीं किया है, स्टार्टिंग में जो आ रहे थे, अभी तो खैर लेवल 2 आया तो अब थोड़ा सा अपग्रेड हुई है चीजें, बट जो पहले आए थे उसमें भाई बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो भाई एडास फेल हो जाता था, काम नहीं करता था और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता था। तो आपकी लाइफ तो एक रिस्क पे है ही है, दूसरा आपका कंट्रोल जो है आपको लगता है कि यार बिल्कुल फ्री होकर गाड़ी चला रहा हूं, लेजीनेस हो जाएगी तीसरी चीज, और चौथी चीज मैं जो आपको बता रहा हूं भाई इस इन सब फीचर्स को अगर आप यहाँ पे यूज नहीं करोगे तो आपकी ड्राइविंग स्किल्स जो है वो ज्यादा बेटर हो जाती है। जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको पता है मेरी गाड़ी इतनी दूरी पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, इतनी स्पीड पे मैं लेके जा रहा हूँ तो कहाँ तक गाड़ी रोक दूंगा, आपकी ड्राइविंग स्किल्स जो है वो ज्यादा इंप्रूव होती है, तो आपको जो कोई अडास उडास की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर आराम से आप गाड़ी चला सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ मैंने गाड़ी चलाई है, मेरी गाड़ी में अडास उडास कुछ नहीं था, मैंने दिल्ली टू गोवा टाटा नैनो से किया है, दिल्ली टू गोवा टाटा टियागो से भी किया है और नॉन स्टॉप किया है, मतलब ये भी नहीं है कि मैं सो सो के आ रहा हूँ, बहुत ज्यादा रेस्ट कर रहा हूँ, मात्र एक घंटा या दो घंटे का रेस्ट मैं लेता था दिन में और या फिर नाइट में, और मैं पूरी जर्नी सिंगल ड्राइवर कर लेता था। तो भाई उससे जो है आपकी ड्राइविंग स्किल्स भी बढ़ती हैं और आपको अपनी ड्राइविंग पे कॉन्फिडेंस भी आता है, तो कोई अडास उडास की मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नीड होती है। अपने इसमें सडनली एकदम सामने कुछ आ जाता है, कहीं भी कोई साइकिल आ जाती है, कहीं पे कुछ पत्थर आ गया, कहीं पे कुछ आ गया, चलो ठीक है आपके अडास ने काम कर दिया, पीछे वाला आपको ठोक सकता है, उसके पास अडास नहीं हुआ तो कहीं ना आपकी गाड़ी का ही नुकसान होना है। तो भाई होगा कहीं ना कहीं, और कंट्रीज में मैं समझता हूँ कि भाई बहुत काम का फीचर होगा जहां पे ट्रैफिक कम है, कहां जहां पे पॉपुलेशन कम है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, ड्राइविंग रूल्स स्पेशली जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, कभी आपके बीच रोड पे साइकिल चलती है तो कभी बीच रोड पे ओवरटेकिंग रोड पे बाइक आपको चलती हुई दिखेगी, तो भाई यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए अडास। और इस फीचर के लिए जो है हम बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट देते हैं, मतलब टॉप मॉडल आपको लेना पड़ेगा अगर अडास आप ले रहे हो तो, क्योंकि बेस मॉडल में तो आपको देने नहीं वाले। अगर इतना ही काम का इतनी सेफ्टी इस फीचर में है तो भाई कंपनी को ये बेस मॉडल से देना चाहिए, ठीक है तुम बेस मॉडल का प्राइस बताओ, लेकिन बेस मॉडल का प्राइस बता दिया उन्होंने, अडास लगाया तो उसका प्राइस उसमें जोड़ के जब वो बताएंगे तो प्राइस हाई पहुंच जाएगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत महंगी गाड़ी इन्होंने स्टार्ट कर दी, क्योंकि बेस मॉडल उन्होंने दिया है केवल आपको प्राइस दिखाने के लिए, और जो टॉप मॉडल है वो बेचने के लिए रखते हैं वो, तो उसमें वो आपको फीचर्स देते हैं, उनके जो है रेट बहुत ऊपर कर देते हैं। ऐसी ऐसी गाड़ियां जिसका बेस मॉडल आपको जो है भाई 10 से 11 लाख में आ रहा है और टॉप मॉडल आपको जो है भाई 20 से 21 लाख में पहुंच जाता है, तो वहां पे जो है आप खुद सोच लो, बेस मॉडल मतलब आप 2 खरीद सकते हो उस अमाउंट में जो उसके टॉप मॉडल ले रहे हो जिस अमाउंट में। अच्छा, एक और फीचर के लिए आजकल बहुत लोग परेशान रहते हैं, पागल रहते हैं कि यार मेरी गाड़ी में 360 व्यू कैमरा नहीं है, 360 व्यू कैमरे का करना क्या है, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है। आप गाड़ी रोड पे चला रहे हो, आपकी ड्राइविंग स्किल ऐसी होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप ओवरटेक कर रहे हो, आपको पता है कि मुझे कितनी डिस्टेंस बना के जो ओवरटेक करना है या मेरी गाड़ी ओवरटेक हो पाएगी या नहीं। दैट मीन या तो आप जो 360 व्यू कैमरे के पीछे पागल रहते हैं, या तो उनको भाई गाड़ी चलानी नहीं आती बिल्कुल भी, वो गाड़ी चलानी नहीं आती है तो बेटर है कि मत चलाओ, या फिर भाई अपनी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी कर लो, और अगर आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी है तो आपको कोई 360 व्यू कैमरे की जरूरत नहीं है, रिवर्स कैमरा काफी है, रिवर्स कैमरा आपके लिए यूजफुल है, तो भाई रिवर्स कैमरा आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल भी करा सकते हो, कंपनी से फिटेड है तो वो भी ले सकते हो, क्योंकि रिवर्स कैमरा जब आप रिवर्स कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको वो वहां पर फायदा देता है, लेकिन जब आप गाड़ी हाईवे पे चला रहे हो या फिर आप पार्किंग में लगा रहे हो तो 360 व्यू कैमरा बस वहां काम आता है। तो मैंने वही स्किल्स वाली बात करी, जब आपकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी है ना तो फिर आप कैसी भी पार्किंग में गाड़ी अच्छे से लगा सकते हो, तो यहाँ पे सारी मैटर करती है भाई ड्राइविंग स्किल्स, और बेटर है कि भाई उनको ज्यादा इंप्रूव किया जाए। तो ड्राइविंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए
क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आज की डेट में जो हम देख रहे हैं ना, कितनी मतलब लापरवाही के साथ ड्राइविंग होती है और साथ ही साथ एक्सीडेंट के केस कितने ज्यादा बढ़ते जाते हैं। तो अगर हम अपनी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी करते हैं ना, तो भाई वो केस कहीं कम हो सकते हैं। हमें दिख रहा है कि सामने वाला गलत चला रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को बचा सकते हैं। हमें पता है कि भाई इसके आगे का क्या स्टेप ये लेने वाला है, तो हम अपनी गाड़ी स्लो कर सकते हैं या अपनी गाड़ी स्पीड करके उससे आगे कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है। जब हाईवे पे चलोगे तो ये सारी चीजें जो है आपको पता चलेंगी। तो जी ये 360 व्यू कैमरा जो होता है, इसके लिए भी हम जो है बहुत मोटा अमाउंट देते हैं और ये टॉप वेरिएंट में आपको मिलेगा। मोस्टली टॉप या टॉप वाले से नीचे वाले वेरिएंट में कुछ कंपनी दे देती होंगी, कुछ गाड़ियों में मिल जाएगा, वरना ज्यादातर गाड़ियों में आपको टॉप वेरिएंट पे ही जाना पड़ेगा। तो भाई एक ये ऐसा फीचर है जो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपके यूजफुल है ड्राइविंग के टाइम पे। हाँ, आपको ठीक है पीछे और आगे का आपको दिख रहा है, पीछे रिवर्स करने के लिए एक रियर कैमरा आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जी अगले जो फीचर है उसकी बात करते हैं, वो है भाई सनरूफ। आजकल लोग क्रेजी हैं इंडिया के अंदर, भाई गाड़ी में सनरूफ तो होनी चाहिए चाहे कुछ हो या ना हो। और सनरूफ क्यों चाहिए वो सबको पता है भाई, सनरूफ चाहिए लोगों को बाहर निकल के देखना है, चारों तरफ के नजारे लेने हैं। अब सनरूफ की गाड़ी आप जब लेते हो ना, तो भाई आप सीधा सीधा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो सेफ्टी के साथ, दूसरा रूल तो तोड़ ही रहे हो अगर आप बाहर निकल रहे हो तो। मैं कह रहा हूं कि ठीक है आप बाहर नहीं निकल रहे, आप कोई समझदार बंदा है वो बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर भी आपकी गाड़ी की जो सेफ्टी है वो कम हो जाती है। तो जहां पे एक पूरी लोहे की सीट होती है उसको कट करके बीच में गिलास लगा दिया, तो वहां पे जो है आपकी सेफ्टी जो कम हो जाती है। तो भाई सीधा सीधा सनरूफ वाली गाड़ी अगर आप ले रहे हो तो सेफ्टी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। दूसरा, बहुत से लोग जो बाहर हवा लेते हैं तो भाई वो तो अपनी जान रिस्क पे डाल रहे हैं, सच बता रहा हूं। सडनली आगे कुछ आ गया ना, एकदम ब्रेक सडनली लेने पड़े तो भाई साहब उनकी बैकबोन भी जा सकती है उस केस में, क्योंकि झटका जैसा लगता है और जो बैकबोन होती है वो उसी को सपोर्ट लगा के सनरूफ से बाहर निकलते हैं, उसी को सपोर्ट पीछे रखते हैं। आगे लगेगा और पीछे भी लगेगा, तो भाई बैकबोन सबसे पहले जाने वाली है ऐसे लोगों की जो ऐसा कुछ करते हैं, और ऐसा कुछ हादसा उनके साथ हुआ। अभी आपने एक एक्सीडेंट देखा होगा, मैं रोज मतलब उसकी न्यूज देख रहा हूं जो हुआ है देहरादून में, 6 लड़के लड़की मतलब उसमें जो है ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। तो उसमें ऐसा बताया जा रहा था कि तो दो जो स्टूडेंट थे वो जो है सनरूफ से बाहर निकले हुए थे, जिनकी जो है गर्दन पूरी कट गई थी, मतलब गर्दन उनके शरीर से अलग मिली है, वो शरीर अलग मिला है और गर्दन अलग। तो आप खुद समझ सकते हो भाई इन ये हरकतों से जो है कैसे केसेस हो जाते हैं। तो भाई इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई सनरूफ वाला भी एक फीचर मुझे जो है अपने इंडिया में बिल्कुल कामयाब नहीं लगता है। भाई बहुत से लोग कहेंगे हमें बारिश के मजे लेने हैं, ये लेने हैं। अरे भाई बारिश में गाड़ी चला रहे हो तो ठीक है, कितनी बार चलाते हो, इंडिया में बारिश कितने टाइम पड़ती है, या फिर कितनी बार आप भाई जो है पहाड़ों में घूमने जाते हो साल में एक बार या दो बार, उसके लिए आपको सनरूफ चाहिए गाड़ी में, क्योंकि पहाड़ों में जो है ठंडी होती है, ठंडी होती है तो हमें जो है ऊपर से सनरूफ से ऊपर के नजारे और प्लस सनलाइट अंदर लाने के लिए हमें चाहिए। तो भाई ये अपने इंडिया में जो है मुझे यूजफुल नहीं लगता है बहुत ज्यादा, बाहर के कंट्री में होगा जरूर, लेकिन सेफ्टी सबसे बड़ा जो कंसर्न है इसका, इसकी वजह से सेफ्टी जो है कम हो जाती है गाड़ी की, और प्राइस जो है आपको बहुत मोटा इसके लिए पे करना पड़ता है। तो जी ये 3-4 फीचर्स तो ऐसे हो गए जिन पे हम बहुत मोटा अमाउंट देते हैं। इसके अलावा और छोटे मोटे बहुत ऐसे फीचर्स हैं जो कंपनी बेफजूल में आपको जो है चिपका देती है और आपको लेने पड़ते हैं फिर। जैसे कि भाई वायरलेस चार्जर मुझे कुछ यूज नहीं लगता है, पिन आपको लगानी है वायरलेस चार्जर की, कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जरूरत आपको पड़ती है, या गाड़ी में हर टाइम आप मोबाइल ही चार्ज कर रहे हो, जितनी बार भी आप बैठ रहे हो आपको मोबाइल गाड़ी में चार्ज करना ही करना पड़ेगा, ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि कोई करता होगा। दूसरी चीज जी भाई हेड अप डिस्प्ले आ जाती है, भाई जब आप सारी चीजें क्लस्टर मीटर पे देख सकते हो तो उसकी जरूरत क्या है, वो फालतू की जो है चिपका दी जाती है और उसके लिए भी हमसे पैसे लिए जाते हैं, वो फ्री में नहीं है बिल्कुल भी। ऑटो स्टार्ट पुश बटन भाई ये भी सब लोगों को चाहिए होता है, लेकिन इससे भी जो है आपको जो है कई बार परेशानी का सामना जो है करना पड़ता है। जैसे कि आपने भाई की कई बार आप रखनी भूल जाते हो, जेब में भी डालनी भूल जाते हो, गाड़ी में ही रह जाती है, कई बार गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक भी हो जाती है आपकी और की अंदर रह गई तो फिर आप परेशान हो रहे हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, जब आपको पता है कि भाई गाड़ी की मुझे निकालनी है, बंद उससे करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ की पे ही रहता है और की निकाल के आप पॉकेट में रखते हो। आपको पता है गाड़ी मुझे लॉक अनलॉक करके जानी है या फिर जो भी है,
तो भाई आपको जो है उस टाइम पे ज्यादा अलर्ट रहते हो, आपके जो है चांसेस कम होते हैं कि इस तरह के केसेस होने के। तो जी ये कुछ फीचर्स हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स ऐसे निकल कर जाएंगे छोटे मोटे जो भाई आपको बिल्कुल भी कई बार आपने मतलब यूज ही नहीं किए होंगे कभी। मुझे लगता है गाड़ी खरीद ली और वो फीचर का कुछ आपने यूज ही नहीं किया है कई बार, तो ऐसे बहुत सारे और फीचर्स आ जाएंगे। आप कमेंट करके बताना कि भाई ऐसे और कौन कौन सी चीजें जो आपने कभी यूज नहीं की है अपनी गाड़ी में, तो कमेंट करके आप जरूर बताना। बाकी जी आप खुद बताना कि भाई ये फीचर्स क्या सच में बहुत जरूरी हैं या नहीं है। प्रैक्टिकली अगर आप सोचते हो तो क्या इन फीचर्स के बिना गाड़ी आपकी नहीं चलेगी, या फिर ये ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से आपको जो है बहुत बड़ी परेशानी आपको हो सकती है, तो ऐसा कुछ अगर है तो फिर कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप इन फीचर्स के साथ में जाते हो तो भाई आपकी गाड़ी का प्राइस जो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। जैसे मैंने बताया अगर आप क्रेटा का ही प्राइस ले लो भाई, बेस मॉडल उसका पेट्रोल में जो आ जाता है वो आ जाता है 11 लाख का, टॉप मॉडल 20.5 लाख पहुंच जाता है उसका, ऑलमोस्ट डबल के आसपास पहुंच जाता है। नेक्सन का प्राइस देख लो आप, बेस मॉडल 8 लाख से स्टार्ट हो जाता है और टॉप मॉडल 15 लाख के आसपास पहुंच जाता है। एक्सयूवी 3XO का प्राइस आप देख लो भाई, आज की डेट में बेस मॉडल उसका 7,80,000 के आसपास से स्टार्ट हो जाता है और जी टॉप मॉडल उसका 15 लाख के आसपास पहुंच जाता है। तो मतलब आप ये समझ लो ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं प्राइस जब आप सारे फीचर्स के साथ में आप जा रहे हो। तो बेस्ट है कि भाई आप जब भी गाड़ी खरीद रहे हो वैल्यू फॉर मनी वेरियंट उसका देखो, जिसमें आपकी जरूरत की चीजें मिल रही हैं जो आपको चाहिए नेसेसरी है, एंड तब जाके भाई अपनी गाड़ी का वो वेरियंट आप लो। सो गाइज उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके भी बता देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय जी।